प्रज्ञा ठाकुर की राजनीति में एंट्री के बाद से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। भोपाल लोकसभा सीट अब देश की बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बन गई है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सामने कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह है। साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से ही विपक्ष के कुछ बड़े राजनेता उन पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो न सिर्फ आतंकी हमले का आरोपी है, अगर प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक है तो उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुख्य आरोपी है जो फिलहाल जमानत पर बाहर है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अगर एक आतंकवादी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती हूं तो क्रोध की कल्पना करते हैं। इन लोगों के अनुसार जब भगवा कट्टरपंथियों की बात हो तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मुसलमानों की बात हो तो सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं, निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है। प्रज्ञा ठाकुर की राजनीति में एंट्री पर बॉलीवुड से भी हमला शुरू हो गया है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर कहा कि चाचा जी कितना गिर जाऊं, आप और आपके नफरती संघी साथियों की नीचता तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, और अगर यह महिला आपको बेगुनाह लगती है तो हाफिज सहित संत लगता होगा। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर विपक्ष उन पर हमलावर है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ने पर उनका स्वागत किया है। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इस रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। वहीं इससे पहले सीएम कमलनाथ ने कहा था कि साध्वी का बीजेपी में शामिल होना पार्टी की मनोदशा को दिखाता है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि बहन साध्वी प्रज्ञा के साथ मैं और मेरे साथ पूरा भोपाल खड़ा है, वह प्रचंड मतों से विजयी होंगी और सबका कल्याण होगा, अधर्म का विनाश होगा और सबको न्याय मिलेगा। भोपाल लोकसभा सीट पर करीब 3 दशक से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस नेता शंकर दयाल शर्मा जो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने 1984 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद सन 1989 से अब तक यह सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के सुशील चंद्र वर्मा 1989 से 1999 तक यानी कि 4 बार भोपाल के सांसद रहे। वहीं उमा भारती 1999 में भोपाल से जीती, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी भोपाल से 2004 और 2009 में सांसद चुने गए। 16वीं लोकसभा में बीजेपी के आलोक संजर चुनाव जीते। वहीं 17वीं लोकसभा के चुनाव में भोपाल सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया है। एक तरफ मैदान में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह हैं, तो वहीं बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। मालेगांव ब्लास्ट के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा सुर्खियों में आई थी। साध्वी भले ही बीजेपी का दामन थाम कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन उन पर अभी भी मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ा एक मामला चल रहा है। जमानत पर जेल से बाहर आई साध्वी प्रज्ञा 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट के मामले में अभी भी एक आरोपी है। वह वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रही हैं। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसी अदालत से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। इसमें कुल 7 लोग मारे गए जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इस केस में एटीएस की जांच में अभिनव भारत संस्था का नाम सामने आया था। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगाया। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा था। वहीं 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर मकोका को हटा दिया। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद 18 अप्रैल 2019 को बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से टिकट दे दिया। भोपाल से 7i न्यूज की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।